प्रिय श्रोतागण एवं मित्रों, हार्दिक शुभकामना। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप लोग इसी तरीके से मेरे कार्यक्रम को देखते रहें, समझते रहें, आप खुद कुंडली की ज्ञाता हो जाएंगे। आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ एक बहुत अच्छा विषय। जैसा कि आपको मालूम है, राहु ग्रह के बारे में बहुत बदनाम किया गया है। मैं आज बतला रहा हूँ राहु ग्रह कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या लाभ क्या हानि देता है, किस प्रकार का प्रभाव देता है, इसको आप सुनिए। जिसके कुंडली में लग्न में राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग मानसिक कमजोरी रहती है, ऐसे लोग का पारिवारिक जीवन ठीक नहीं रहता है, ऐसे लोग की सोच गंदी। जिसकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, इच्छा अनुसार उन्नति नहीं कर पाते हैं, इनके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में राहु बैठा हो, ऐसे लोग बचपन से ही संघर्ष करते हैं, पारिवारिक जीवन भी इनका संघर्ष में होता है, ऐसे लोग हमेशा विवादों में रहते हैं। जिसके कुंडली में चौथे भाव में राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग अक्षमातिक उन्नति करते हैं, अक्षमातिक धन की प्राप्ति करते हैं, अच्छा यश कृति प्राप्त करते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग इच्छा अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं, बहुत कम उम्र में करियर बना लेते हैं, सम्मान का जीवन जीते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में राहु बैठा हो, ऐसे लोग विवादों में रहते हैं, केस मुकदमा रहते हैं, शत्रुओं से परेशान रहते हैं, कभी भी ये सुखी नहीं होते। जिसके कुंडली में सातवें भाव में राहु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग इच्छा अनुसार शादी नहीं कर पाते हैं, पति पत्नी के विचारों में मतभेद रहता है, परंतु तलाक नहीं होता है, ऐसे लोग अक्षमातिक धन की हानि कर बैठते हैं। जिसके कुंडली में आठवें भाव में राहु बैठा हो, ऐसे लोग उदर रोग से पीड़ित रहते हैं, ऐसे लोग का ग्रोथ नहीं बनता है, कुछ न कुछ शारीरिक समस्याएं इनके जीवन में बनी रहती है। जिसके नौवें भाव में राहु बैठा है, ऐसे लोग की पदोन्नति नहीं होती है, नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं, व्यापार में घाटा खा जाते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में राहु बैठा हो, ये बहुत अच्छा उन्नति करते हैं, जीरो से हीरो बनते हैं, इनके पास जो भी धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा रहता है स्वयं का बनाया हुआ। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में राहु बैठा है, ऐसे लोग विदेश यात्रा करते हैं, सोचे हुए अधिकांश कार्य को पूरा कर लेते हैं, जीवन इनका हमेशा सुखदायी रहता है। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग के चौथेपन अच्छा जाते हैं, अच्छा धन कमाते हैं और सुखी रहते हैं। ये इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर प्रत्येक प्रोग्राम में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। कोई मित्र अपने कुंडली का मेरे द्वारा विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिए, आपको मैं अपना तरीका बता दूंगा, तरीके पर आइएगा, मैं विश्लेषण कर दूंगा। आप लोग सहयोग के लिए मैं फ़ोन नंबर बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। इतना कहते हुए ये प्रोग्राम समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।